हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल विद आरती मंदीप सिंह। तो मैं जरा सारांश से पूछती हूँ कि आज क्या गाना है। मैं हूँ ना टीचर और मैं और मेरी मुस्लिम वाली ये इसका हमेशा का ही है। ये इसका हमेशा का ही है। सारांश जल्दी बता क्या खाएगा अभी। क्या खाएगा? अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए ना। अब पिज्जा विज्जा थोड़ा अच्छा थोड़ी होता बच्चों के लिए। हाँ चीज अच्छी होती है लेकिन इवनिंग स्नैक्स में सारांश मांग रहा है। ये मैंने बेसन लिया है और ये मेरी प्याज है। प्याज मैंने दो प्याज लिए हैं, मैंने चॉप किया हुआ है, और थोड़ी सी दो हरी मिर्च है। ये बेसन में मैंने प्याज मिला दिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। और नमक स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सोडा, खाने का सोडा। ये हमने इसमें पानी मिला दिया है। बैटर ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज्यादा पतला नहीं करना है, नॉर्मल ही करना है। ये दिख रहा होगा इस टाइप का, ये थोड़ा सा और पतला कर सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च, प्याज और नमक और लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है। अगर आप चाहो तो काफ़ी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे चिली फ्लेक्स होते हैं, ऑरिगेनो होता है, उन सबसे भी टेस्ट होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है, अच्छा टेस्ट आता है चीलों में। तो ये फटाफट भी बन जाते हैं और फिर ये कि हम इवनिंग में चाय के साथ ही खा सकते हैं। ये इस टाइप का हमारा होना चाहिए इसका बैटर। जो चीज कम ऑयल में बन जाए तो वो ज्यादा अच्छी है ना, क्यों ज्यादा भर भर के तेल लगाना। तो तेल भी मेरा गरम हो गया है। इसमें डालूंगी बेसन के चीले, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, इतने आपसे शेयर नहीं किया। यहाँ पे मेरी चाय हो रही है। आप देख रहे हो कि मैं तेल कितना कम लगा रही हूँ, जो बूंदे इसमें लगी हुई है मेरे चम्मच में वही बूंदे मैं इस पे डाल रही हूँ। अब ये पानी है, ठीक है, अभी थोड़ी देर और पकाएंगे इसको हम। ये देखिए पक गया मेरा नीचे से, ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, गोल्डन कलर। और इसमें मैंने कोई ज्यादा ऑयल भी नहीं लगाया, तो बिना ऑयल की भी, मतलब कम ऑयल की भी चीजें अच्छी बनती है। देखो कितना अच्छा सिका है यहाँ से भी। हाँ यहाँ पे मैं हल्का सा लगाऊंगी बस, क्योंकि मैंने एक साइड बिल्कुल भी नहीं लगाया था, तो इस साइड में लगाऊंगी। ये
ये इसको ऐसे दबा दबा के आप सेकोगे तो इससे ज्यादा अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे से सिक भी जाते हैं अंदर तक। ये देखो कितना अच्छा सिका ये। अच्छा बना मेरा चीला। ये मेरी प्लेट लग गई है चीले की, चाय की। इसमें मैंने एक हरी चटनी रखी है और ये रही मेरी सॉस। तो अब ये मेरे हस्बैंड खाएंगे, ये प्लेट उनकी है। ये रहा मेरा एक और चीला जो कि जा रहा है मेरे हस्बैंड के लिए। कैसा बना? चले कैसा? बढ़िया। अच्छा बढ़िया।